अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल प्लांट्स डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपके लिए ये देखिए लेमन का प्लांट लेके आया हूँ। इसमें छोटे छोटे लेमन लगे हुए हैं, उसको भी अब मैं अभी दिखाता हूँ। ये देख ले आप इसके पत्ते, इसके ना लश ग्रीन है, मतलब ना इसके भी पत्ते लश ग्रीन पहले थे, लेकिन अब ना थोड़े से डल डल से हो गए, जैसे ये फल आया। इसको ना हम दोबारा पत्तों में जान डालने के लिए इसमें ना हम थोड़ी सी फर्टिलाइजर हम इसमें देंगे। ये लेमन हमारे यहाँ ये तकरीबन 15 से 20 दिन में ये तैयार हो जाएंगे। ये देख लें कुछ इस तरह के इसमें लेमन है, ये इसका तकरीबन दूसरा फल है। या आप इस तरह देख लें इसकी ना, जो से ये वीट वगैरह घास वगैरह उगी हुई है, ये भी हम रिमूव करेंगे। इसको अच्छी तरह से गोडी भी करेंगे और इसमें वाटर वगैरह देंगे। फिर देखें इसमें हम जो जो से नीचे लगा हुआ है घास, इसको भी अच्छी तरह से निकाल देंगे। ये छोटे छोटे से ये देखिए हमारे लेमन लगे हुए हैं। इसी तरह काफ़ी ना ज़्यादा इसमें छोटे छोटे से लेमन, जो सी मिट्टी है ना, ये मैंने एक हिस्सा तकरीबन गार्डन का लिया और एक हिस्सा इसमें रेत ली है। उसमें वर्मिंग कंपोस्ट डालें, किचन कंपोस्ट डालें या काउ डंग डालें, जो मर्जी इसमें आप डाल के ना इसको ग्रो कर ले आप, इसमें लेमन का पौधा उग जाएगा। और अगर इसमें इस मटेरियल में ना, मतलब के सॉइल में ना होगे, तो थोड़ा सा ना आप इसमें DAP या फर्टिलाइजर इस तरह कोई चीज़ ना यूज़ कर लीजिए। अगर मतलब किचन कंपोस्ट इस तरह थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में डाल के ना इसको गोडी कर लो ना, तो फिर ये पौधे आराम से ग्रो हो जाते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता, बस हमने ना वाटर का ख्याल रखना होता है। पानी ना इस तरह ना हो के जैसे पानी गारा सा हो, कीचड़ सा बना हो, बस गमले के नीचे सुराख दो या तीन या एक भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है। मतलब अगर आपकी बेड मिट्टी है ना, जैसे कोकोनट में पानी डाले फ़ौरन ड्रेन हो जाता है, उससे थोड़ी सी कम ये मिट्टी होती है, ये ड्रेन हो जाती है। देख लें आप ये कुछ मिट्टी का इस तरह का हमारे पास रिजल्ट है। ये मैंने हल्का सा इसमें ना ये छोटा सा ना पंजी सी इसमें डाल के मिट्टी को अच्छी तरह से इसको मैंने हला लिया। और इसमें मैं थोड़ा सा ना इसमें इस बार ना मैं यूरिया DAP और पोटाश वगैरह ना इसमें यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें ना फल आ रहा है अभी तो पत्ते ना, पहले तो इसमें बहुत अच्छे ग्रीन लाश ग्रीन थे। आप थोड़ा सा ना इसमें हल्की हल्की धूप की वजह से ना ये पत्ते भी थोड़े से डल हो गए हैं। आपने ना फुल गर्मियों में इसमें ना इतनी ज़्यादा मतलब के खाद नहीं देनी, आपने तकरीबन ना 7 से 8 8 दाने सभी मतलब के DAP पोटाश और इस तरह यूरिया के दो देने हैं, 2 से 3। अगर 200 के 8 8 हो ना, तो यूरिया के 2 दाने मतलब देने हैं, ज़्यादा नहीं इसको देना, नहीं तो वो ना पौधा ख़राब हो जाता है। इस तरह ये आप देख लें, आप 15 दिन में दे लें, अगर थोड़ी देनी, अगर ज़्यादा थोड़ी सी देनी हो तो इसको आप 1 माह बाद फर्टिलाइज जरूर कर दिया करें या काउडंग डाल दिया करें। या देख लें मैंने इसको गोडी अच्छी तरह कर दी है और इसमें से घास निकाल दी है, और इसको मैं अब वाटर लगा के और इसको पौधों को एक छाँव वाले एरिए में रख दूंगा। इसको इतनी भी छाँव में भी नहीं रखना और इतनी भी धूप में भी नहीं रखना, बस दरमियाना सा हो। मेरे ऊपर है ना अंगूर की बेल है, मैंने उस जगह पे इसको रख देना है। अल्लाह हाफिज़।